हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग का जो नया वाला मॉडल्स आ रहा है, M01 या A50s, A30s या जो न्यू लॉन्चिंग फ़ोन है उसमें आपको दिखने में क्या मिलेगा। उसका जो LCD है, LCD का जो कनेक्टर है, जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड के अंदर से जाकर डिस्प्ले भाया होकर आपका बोर्ड में आएगा। तो इस हैंडसेट में बहुत चार्जिंग इशू आ रहा है और मेरे पास कमेंट आया था कि उन्होंने सब बोर्ड चेंज किया उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखाऊंगा जो सैमसंग का नया वाला मॉडल है। हर मॉडल में ये ट्रिक्स आपका काम आएगा। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए। इस हैंडसेट में चार्ज हो रहा है, देखिए चार्ज पर लगा दिया, चार्ज हो रहा है। इसको मैं साइड में रखूँगा। अब ये चार्जर, ये हैंडसेट अभी ऑन भी नहीं हो रहा है, दिखा रहा है कि ये डेड है, पावर भी नहीं, चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने फ़िलहाल इसका स्क्रू और बैक डाला निकाल के रखा हूँ। अभी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ आपका, अगर ऐसे हैंडसेट आए तो कहाँ से कहाँ आपको काम करना है। ये तो A51 है, मान लीजिए ऐसे ही हैंडसेट है। A51 नहीं है सैमसंग का, और कोई मॉडल है जिसका एक क्रॉक्सिबल केबल है। और भी हैंडसेट अभी जो नया वाला आया है उसका ये केबल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आपका ये जो LCD है, LCD के अंदर से ही निकल के सब बोर्ड में आएगा, सब बोर्ड से सीधे बोर्ड में, और वो डिस्प्ले के अंदर से जाएगा। अगर ऐसे दिक्कत आए उसका क्रॉक्सिबल आप केबल भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उसका भी सोल्यूशन जो मैं इस मोबाइल में दिखाऊंगा उसमें भी सेम ट्रिक काम आएगा। तो देखिए मैं पहले दिखा रहा हूँ, जो पिछले जो हैंडसेट में हम दिखाते थे कि कनेक्टर का जो दो तरफ है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें लगाने से उसका वोल्टेज दिखाता है, लेकिन इस हैंडसेट में नहीं दिखाएगा। देख सकते हैं वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। अब हम लगाएंगे सब बोर्ड, उसके बाद हम बैटरी पर देखेंगे, इसमें भी वोल्टेज नहीं दिखा रहे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही हैंडसेट को रहने दीजिए। हाँ, पहले तो आपको सब बोर्ड चेंज करके देखना पड़ेगा, सब बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो सब बोर्ड चेंज करने के बाद भी ना हुआ, सिर्फ मदरबोर्ड से इस केबल को निकालना है। और ध्यान से देखिए, इसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के दोनों तरफ ये जो कनेक्टर रहता है, इस कनेक्टर थोड़ा बड़े हो जाने से एम्पेयर लॉस होता है, इसी के लिए ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो हम सिंपली कुछ नहीं, इस कनेक्टर को थोड़ा सा हल्के से अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि अच्छे से कनेक्शन आ जाए। ध्यान से, ज़्यादा ज़ोर से दबाने से ये टूट जाएगा। हल्के हल्के से दबाएंगे हम, लगा दिया हमने। अब हम कनेक्टर लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे बैटरी। नहीं हुआ, और एक बार जिसे दबाएंगे हम, चार्जर को निकाल लेते हैं। लीजिए हैंडसेट में चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड, मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा प्रॉब्लम आपके पास बहुत आएगा क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादा खोलने लगाने से ये जो कनेक्टर है दोनों तरफ ये थोड़ा सा बड़े हो जाता है, इसी के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको कुछ भी ज़्यादा जंपर वम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम आप सब बोर्ड को चेंज कीजिए। सब बोर्ड चेंज करके नहीं हुआ तो ये एक चीज़ की, मेरा पहले भी कैसे कुछ हैंडसेट मेरे पास आया है कि उनका यही सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उसने मदरबोर्ड पर काम करके मदरबोर्ड डेड कर दिया। तो छोटा सा ट्रिक से, बिल्कुल हल्के ट्रिक से, लेकिन बहुत काम का है ये ट्रिक्स। आप यूज़ कीजिए, सैमसंग का कोई भी मॉडल हो 100% आपका काम आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।